सूरजपुर सुखोमाजरी बाईपास का निर्माण कार्य पूरा न होने से पिंजौर में लगता है ट्रैफिक जाम। सरकार कालका से कर रही है भेदभाव, लगाए आरोप माइनॉरिटी सेल के वरिष्ठ नेता गफूर मोहम्मद ने। सूरजपुर सुखोमाजरी बाईपास का निर्माण कार्य पिछले कई सालों से अधर में लटका पड़ा है, जिसका काम अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। इस बाईपास के न बनने से पिंजौर शहर और नालागढ़ रोड पर ट्रैफिक जाम और ट्रैफिक बाधित रहने की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। माइनॉरिटी सेल के नेता एवं कांग्रेस वरिष्ठ नेता गफूर मोहम्मद ने सोमवार को बताया कि कई सालों से लटके इस बाईपास निर्माण का कार्य कछुआ चाल से चल रहा है। अभी तक इस रोड पर कई करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक बाईपास का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। माइनॉरिटी सेल के नेता एवं कांग्रेस लीडर गफूर मोहम्मद का आरोप है कि हरियाणा सरकार कालका पिंजौर एरिया के साथ भेदभाव कर रही है, तभी इस काम को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। बाईपास का काम शुरू न होने पर पिंजौर एरिया और नालागढ़ रोड पर हज़ारों वाहनों के अलावा हज़ारों लोग ट्रैफिक जाम में शाम के वक्त फंसे रहते हैं और ट्रैफिक बहाल होने पर भी घंटों का समय लग जाता है। गफूर मोहम्मद ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि कालका पिंजौर के साथ भेदभाव करना छोड़ हरियाणा सरकार को कालका पिंजौर के विकास कार्य को सबका साथ सबका विकास स्लोगन की तरह जल्द कार्य शुरू करवाने चाहिए, जिससे हजारों लोग परेशान हो रहे हैं और इस रोड के ना बनने से कई मौतें भी हो चुकी हैं। इसलिए इस रोड का निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाया जाना चाहिए, ताकि लोगों को भारी परेशानियों का सामना न करना पड़े और कालका पिंजौर शहर की जनता राहत की सांस ले सके। ये सूरजपुर बाईपास का काम लगभग 7-8 सालों से अधर में पड़ा है। ऐसी कछुए की चाल से ये काम चला रखा है सरकार ने, तो जो कि तो जो समस्या बनी पड़ी है हमारी यहाँ पर, और पिंजौर के जो जाम से निजात जब तक ये रोड कंप्लीट नहीं होता, पिंजौर के जाम से निजात नहीं मिल सकती। और सरकार ने करोड़ों रुपया इसके ऊपर खर्च कर दिया, लेकिन अभी एक पैसे का भी इसके अंदर लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा है। 7-8 साल से अधर में लटका पड़ा है। जब तक हिमाचल बद्दी का ट्रैफिक यहाँ से नहीं गुजरेगा, तब तक पिंजौर में जो जाम है उसकी समस्या ऐसी ही बनी रहेगी। पिंजौर जाना भी एक मुसीबत बनी हुई है अभी लोगों के लिए। अगर कोई बीमार है, कोई किसी तरह से कोई परेशान है, किसी को डॉक्टर के पास जाना है, हमारी छोटी मोटी जो सुविधाएं हैं, ज़रूरतें हैं, पिंजौर बाज़ार में शहर में पूरी होती हैं, उसके लिए जाने के लिए इतनी बड़ी भारी जोखिम का सामना करना पड़ता है और पूरे लोग उससे बेहाल हैं। मैं सरकार से एक ही अपील करता हूँ कि जो ये 7-8 साल से लटका हुआ काम है, अभी तकरीबन कई साल से पूरा हो चुका, छोटे छोटे काम जो अटका के रखे हुए हैं, पता नहीं ये सरकार इस एरिया के साथ क्यों इतना बेवकूफ़ कर रही है। इतना कोई लंबा चौड़ा काम भी नहीं है, तकरीबन बहुत काम जो है 90% के करीब बाईपास का काम पूर्ण हो चुका है, लेकिन जो छोटे काम है उनको अभी छोड़ के इनकी कोई सुध नहीं ले रही है। जब तक ये बाईपास चालू नहीं होगा, पिंजौर के जाम की समस्या से निजात हमें नहीं मिल पाएगी। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी इसका जो है इसको पूरा किया जाए, ताकि लोगों को कुछ राहत मिले।